जी आपको गुडी पाड़वा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत शुभकामनाएं। कैसा लग रहा है आपको नासिक शहर में आकर गुडी पाड़वा के उत्सव पर, उसके बारे में कुछ? नासिक शहर से तो बहुत पुराना कनेक्शन है मेरे, बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग की है और एड फिल्म्स की शूटिंग्स की हैं, तो नासिक से तो बहुत पुराना कनेक्शन है। अच्छा ही लगता है यहाँ आकर, यहाँ के लोग बहुत पसंद हैं, दिल खुलास हैं, मतलब दिल खोल कर स्वागत करते हैं, तो बहुत मज़ा आता है। और आज के दिन तो ये गुड़ी पाड़वा का एक ओकेजन है जहाँ पे एक अलग ही एनर्जी होती है। और वैसे भी कोरोना के सारे जो रिस्ट्रिक्शंस थे वो भी कम हो गए, तो अभी आज मज़ा आएगा और सारे लोग मतलब बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। आज आप इस शहर में हैं तो इसके सेलिब्रेशन के बारे में बताइए कि कैसा रहने वाला है, अभी आप सेलिब्रेशन के लिए जा रहे हैं? अभी तो हम लोग जाने वाले हैं, रैली होगी और जैसे होता है कि ढोल ताशा पथक होगा सामने सामने, मुझे लगता है लेझिम भी हो सकता है क्योंकि ये महाराष्ट्रियन टिपिकल प्रोसेशंस के ये क्या बोलूँ कि रिदम्स हैं जो होते हैं इसमें, तो एक उसका एक अलग सी एनर्जी होती है उस रिदम की, तो वो आगे रहेंगे, हम लोग पीछे रहेंगे, हम लोग शायद ओपन जिप में जाएंगे तो लोगों से इंटरेक्ट कर पाएंगे, हाय हेलो कर पाएंगे दूर से, लेकिन मज़ा आएगा। बहुत दिनों बाद, 2 साल बाद लोगों के साथ घुल मिल रहे हैं हम लोग, तो मज़ा आएगा डेफिनेटली। आपका लुक जैसे हम देख रहे हैं वो राधा भाई का है, और ये शो भी मराठा साम्राज्य के बारे में बताता है, और आज का दिन भी गुड़ी पाड़वा का है, तो उसके बारे में कुछ बताएं कि आप यहाँ पर क्या सेलिब्रेशंस के साथ आते हैं? मराठा साम्राज्य जैसे हम लोग काशीबाई बाजीराव बल्लाळ में दिखाते हैं कि उस ज़माने में तो बहुत सिंपल सेलिब्रेशन रहते थे, मतलब योद्धा के घर में। अभी हमारा एक सीक्वेंस जा रहा था कि जहाँ पे गुड़ी पाड़वा है और इसके लिए युद्ध पर जाने के लिए थोड़ा डीले कर रहे हैं कि ताकि सैनिकों को, योद्धाओं को अपने परिवार के साथ रहने का मौका मिले, तो तब तो जब अपने लोग अपने साथ हो वही त्यौहार का क्षण होता था। और ये जो गुड़ी पाड़वा, दिवाली, ये जो सारे त्यौहार होते थे वो बहुत ही सिंपल तरीके से मनाए जाते थे, वो आनंद लेना या खुश रहना ये ज़्यादा महत्वपूर्ण था। आजकल हम लोग ज़्यादा इवेंट्स करते हैं उसके, और इवेंट्स के माध्यम से इसका आनंद लेते हैं, और उसमें भी बुरा कुछ नहीं है, कलेक्टिवली एक हो जाते हैं, कलेक्टिवली एक एनर्जी रहती है। और वैसे भी रहेगा कि उस ज़माने में जो हम लोग करते आ रहे थे, अदर हम लोग शो के दौरान जो कर रहे हैं वो देखने में जैसे मज़ा आता है, करने में जैसे मज़ा आता है, वैसे ही अभी इस माहौल में शामिल होने में डेफिनेटली मज़ा आएगा। शो में देखा जा रहा है कि जैसे आपका ये जरा लुक में है, काफ़ी हैवी लुक पता चलता है, काफ़ी मेहनत लगती है इसको तैयार होने में, आपके लुक के बारे में कुछ बताइए। नवरी साड़ी है ये लुक तो टिपिकल महाराष्ट्रियन लुक है, और ये जो तब होता था, ये लुक तो टिपिकल महाराष्ट्रियन लुक है और त्योहार के दिन, या पेशवा लुक है तो पेशवा लुक के लिए बहुत ही हेवी ज्वेलरी होती है और उस ज़माने के डिज़ाइंस होते हैं, जैसे चोकर है, वो रिंग्स हैं, बुगड़ी है, बुगड़ी तो आजकल अभी भी ट्रेंडिंग है, अभी वापस ट्रेंड में आ गई है, तो ऐसे बहुत सारे गहने, नथ हैं, और हेवी लुक है, तो हेवी पूरे दिन 12 आवर्स कैरी करना ये भी थोड़ा हेवी हो जाता है, लेकिन आदत से मजबूर है, आदत हो जाती है तो उसमें भी थोड़ा इजी जोन पकड़ लेते हैं हम लोग। और वैसे ही है नवारी साड़ीज़ तो मतलब कुछ कुछ साड़ीज़ हैं वो स्टिच्ड हैं, लेकिन हमारी जयाता ये वो पहनाती भी है और वो इतने अच्छे से पहनाती है कि वो कंफर्ट जोन आता है, कि आप फिटिंग इतना परफेक्ट होता है कि आप कूदो भागो कुछ यहाँ की वहाँ होती नहीं साड़ी, तो अलग लुक में जाने का भी एक अपना अपना मज़ा है जो इस लुक में डेफिनेटली है। काशीबाई बाजीराव बल्लाळ ये जो शो शुरू हुआ तब राधा भाई और बालाजी, इनको पेशवाई नहीं मिली थी, ये एक योद्धा फैमिली थी और एक योद्धा थे, राज्य के लिए कुछ करना है, राज्य के लिए, राज्य को सुरक्षित रखना है, बस यही मायने रखता था इनके लिए। लेकिन राधा भाई का कहना ये था कि अगर पेशवा पद पे एक सच्चा अच्छा योद्धा जाएगा, नीतिज्ञ जाएगा,
तो वो राज्य के लिए ज़्यादा कुछ कर पाएगा, और इसीलिए उसका स्ट्रगल था कि बालाजी राव को पेशवाई मिले, और उसके लिए उन्होंने उन्हें बहुत सपोर्ट किया। पेशवाई मिली तो उसके बाद काशीबाई के साथ विवाह करने के लिए राधाबाई इसलिए चाहती थी कि उसमें सारे हुनर थे काशीबाई में, जो इस पेशवा फैमिली के लिए ज़रूरी थे, इस राज्य के लिए ज़रूरी थे, और वो दिल से चाहती थी कि ये हमारे घर की बहू बनकर आ जाए और हमारी हमारा परिवार राज्य के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए। शादी के बाद पेशवाई मिल गई, काशी से शादी हो गई, बालाजी जो थे वो युद्ध में मारे गए, युद्ध में मतलब वो बीमार होके मर गए थे। तो वो चले, उनके चले जाने के बाद 7 साल की लीव ली शो ने, और बच्चे बड़े हो गए। और ऐसे है कि अभी थोड़ा बहुत निगेटिव जोन, ग्रे शेड, पॉजिटिव जोन, ऐसे चलता आ रहा है मेरा कैरेक्टर। पता नहीं अभी कब तक ये चलेगा, क्योंकि एक्चुअली सपोर्टिव है काशी को, तो सपोर्टिव ही रहेगी ये राधा भाई, लेकिन बीच में जैसे हम ह्यूमन बीइंग हैं, जैसे हमारे स्वभाव होते हैं, हमारे फ्लक्चुएशंस होते हैं, वैसे हर एक कैरेक्टर के भी होते हैं। कि ह्यूमन बीइंग करके अगर हम लोग देखें तो समझ में आ सकता है ये। तो वैसे फ्लक्चुएशंस का पीरियड चल रहा है अभी, और डेफिनेटली बॉन्डिंग काशी भाई और राधा भाई की होगी इस शो में। आपके फैन से कुछ कहना चाहेंगे आखिर में? मुझे लगता है कि शो देखना चाहिए, भला बुरा जैसे भी लगे आप हमें बताते रहिए, ताकि हम कुछ उसमें सुधार ला सकें। मुझे ऐसे लगता है कि हमारी सारी टीम्स जो हैं वो बहुत ही 100% काम करती है। एक्ट्रेस की टीम दिखती है आपको सिर्फ, लेकिन उसके पीछे 100 लोग होते हैं, पूरी कैमरा टीम होती है, लाइट्स वाले लाइटमैन होते हैं, हमारे डायरेक्टर जो है, हमारी डायरेक्शन टीम जो है वो बहुत ही परफेक्ट है, क्रिएटिव टीम, चैनल टीम, मतलब बहुत सारे लोग एक प्रोजेक्ट से जुड़े हुए होते हैं। और जैसे प्रैक्टिकली देखा जाए तो बहुत सारी फैमिलीज जुड़ी हुई होती हैं, जिनका चरितार्थ है एक शो की वजह से चलता है। तो हम लोग एक एपिसोड देखकर अगर कमेंट करेंगे कि अरे यार बुरा है, अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन उसके पीछे बहुत घंटों की मेहनत होती है हर एक किसी की। तो आपको जो बुरा नहीं लगे वो हमारे हमारे हमें कमेंट करके बता दें, तो उसमें कुछ सुधार ला सकें। लेकिन मुझे तो ऐसे लगता है कि जिस तरह से हम प्रेजेंट कर रहे हैं, वो लुक वाइज, कंटेंट वाइज, कैरेक्टर वाइज, और जो इतिहास है उसकी वाइज, थोड़ा लिबर्टी लेके, लेकिन अच्छा ही चल रहा है। आपको पसंद आएगा, देखते रहिए, कनेक्ट होके रहिए, और बताते रहिए कैसे शो चल रहा है, कैसे आपको लग रहा है। थैंक यू। आगमन झालेलं आहे, तुम्ही फक्त लाईन करा, तुमच्यातूनच ते येणार आहे, तुम्ही फक्त थोडीशी लाईन करा, अशी आजूबाजूला येऊ नका प्लीज।
कृपया सेकंड या ठिकाणी पाठीमागे या सरळ मधूनच चलो रेडी चलो जास्त फोटो वापर मीडिया एक राजा फक्त वरते फक्त लाईन करा आता या ठिकाणी लाईन करा तुम्ही कुठे जाणे सर्वांनी लाईन करायचं या ठिकाणी आणि त्यांना मी सांगतोय कृपया फोटोग्राफर मीडिया ज्यांचं असेल त्यांनी पटकन फोटो सेशन करून घ्या आणि फोटो सेशन झाल्यानंतर वरचा स्टेज या ठिकाणी रिकाम करायचं आहे फक्त कलाकार या ठिकाणी वरती राहतील फोटोग्राफर जास्त आहे सर्व या ठिकाणी फोटो सेशन झाल्यानंतर सिने अभिनेत्रींना या ठिकाणी थोडस करायचं हळूहळू मॅडम Thank you.
साठी विदला देश गौरवा साठी
प्रजाप्रिय लोकप्रतिनिधि नगर सेवक श्री ही सीरियल आहे एका अशा महान स्त्रीची जिने तिच्या बुद्धी चातुर्य सो त्यासाठी मी कलानंद कथक नृत्य संस्थेच्या कलाकारांना आणि कोरिओग्राफर तृषाली पाठक यांना स्टेजवर आमंत्रित करते. आपण सगळ्यांनी जोरदार आणि त्यांचं स्वागत करूयात. खूप एंटरटेनिंग गाणं आहे, टाळ्या वाजल्याच पाहिजे. Thank you.